हेलो दोस्तों, तो हमारे वीडियो चैनल पे हम लोग रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है दिल्ली इज़ कैपिटल, जिसका कोड है 759। दूसरा है कैपिटल आर ब्यूटीफुल, जिसका कोड है 369। तीसरा है दिल्ली इज़ ब्यूटीफुल, कोड है 675। और चौथा है पटना ऑल्सो कैपिटल, कोड है 924। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ कोड फॉर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 5, 6 और लास्ट में है 7। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्यूटीफुल का कोड फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ से इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कैपिटल, कोई भी एक वर्ड देख लेते हैं, कैपिटल कहाँ लिखा है। एक जगह लिखा है कैपिटल यहाँ पर, एक लिखा है यहाँ पर और एक कैपिटल यहाँ पर। अब हमें यहाँ देखना है तीनों में से कौन सा कोड कॉमन है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। तो यानी कि यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि कैपिटल का कोड क्या है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल इज़ इक्वल टू 9, क्योंकि 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर भी है। नेक्स्ट हमसे बोला गया है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पर है, यहाँ पर है ब्यूटी। और दोनों में कौन सा कोड कॉमन है, दोनों में 6 जो है वो कॉमन है, दोनों में 6 लिखा गया है। यहाँ पर भी देखिए 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो ब्यूटीफुल का कोड हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ब्यूटीफुल जो दोनों में कॉमन रहेगा तो ब्यूटीफुल का कोड हमारा होगा यहाँ पर 6। तो ये सही उत्तर है। दूसरा हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट कैपिटल इज़ ब्यूटीफुल। अगर हमें कैपिटल इज़ ब्यूटीफुल को कोड में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अभी हमने यहाँ पे देखा ब्यूटीफुल का कोड है 6 और कैपिटल का कोड है 9। तो जिसमें 9 और 6 दोनों होगा वो हमारे आंसर हो सकते हैं। अब यहाँ 9 और 6 नहीं है तो ये आंसर नहीं है, यहाँ पे 9 और 6 नहीं है, यहाँ ये आंसर नहीं है। अब 9 और 6 यहाँ पर भी है और 9 और 6 यहाँ पर भी है। अब हमें ये देखना है कि 7 और 5 में से इज़ क्या है, क्योंकि कैपिटल और ब्यूटीफुल का हमें 9 और 6 पता है, इज़ क्या है। तो अब हम वापस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, देखेंगे इज़ कहाँ लिखा है। इज़ यहाँ पर भी लिखा गया है और यहाँ पर भी लिखा गया है। दोनों में कॉमन क्या है, अब दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन है 7, दोनों में आ रहा है 5, दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो और दोनों में दिल्ली भी कॉमन है। तो यानी कि दिल्ली यहाँ पे लिखेंगे, दिल्ली और इज़ दोनों का कोड क्या हो सकता है, या तो 7 होगा या 5 होगा। हमें क्लियर नहीं है कि दिल्ली 7 है या दिल्ली 5 है, इज़ 7 है या इज़ 5 है। तो हम लिख देंगे दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी यहाँ पर हमें कुछ भी इससे और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ना तो ये हमारा आंसर होगा ना ये हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जब तक हम श्योर नहीं है, हमें कन्फर्म नहीं है कि 7 कोड है या 5 कोड है, तब तक हम कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे। तो आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज या NOTA। NOT का मतलब नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए नन ऑफ दी अबव। थैंक यू।